हरि ओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मित्रों, कारक प्रकरण का अध्ययन करते हुए हम क्रमशः चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों तक पहुंचे हैं। उनमें आज हम दो सूत्रों को पढ़ेंगे जिन दो सूत्रों के अर्थ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः का उदाहरण है और कौन सा तुमर्थात् च भाववचनात् का उदाहरण है। तो इन दोनों के उदाहरणों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इन दोनों उदाहरणों को मैं आपको समझाऊंगा और इन दोनों उदाहरणों के तात्पर्य में क्या भेद है वह बताऊंगा। तो पहला सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः और दूसरा है तुमर्थात् च भाववचनात्। दोनों एक साथ ही देखेंगे जिससे आपको दोनों में अंतर पता चले। दोनों में पहली बात तो पहला अंतर यही है कर्मणि और दूसरा क्या है भाववचनात्, यही एक अंतर है। पर अभी आगे और बाकी बताएंगे, पर आप ध्यान रखिए कि अंतर है। पाणिनि जी एक जैसी बात कभी दोबारा नहीं कहते हैं। चलिए, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। देखिए, दो चीजें हैं। कभी हमें एक क्रिया को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरी क्रिया करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमें फल लाना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा। फल लाना है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ रहा है यह क्रियार्थक्रिया। क्रियार्थक्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया के लिए की जाए। यानी हमें फल लाना है तो उस फल लाने वाली क्रिया के लिए हमें कोई एक क्रिया करनी पड़ रही है। वह एक क्रिया कौन सी है? वह एक क्रिया है जो हमें करनी पड़ रही है। वह एक क्रिया क्या है? जाना। जैसे एक मुख्य क्रिया, दो क्रियाएं होंगी हमेशा। क्रियार्थोपपदस्य में ध्यान रखिएगा, क्रियार्था क्या है? क्रियार्था यह है, जैसे हमें फल लाना है तो फल लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो यह जाना वाली जो क्रिया है वह फल लाने की क्रिया के अर्थ है, फल लाने वाली क्रिया के लिए है। इसलिए इस जाने वाली क्रिया को हम क्रियार्था क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रियार्था क्रिया, क्रियार्था क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो किसी दूसरे क्रिया के लिए की जा रही हो। जैसे जाने की क्रिया क्योंकि फल लाने के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, भोजन करने जा रहा हूं, है ना, भोजन करने जा रहा हूं। यहां पर क्या है? भोजनाय गच्छामि, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? शर्त यह है कि तुमन प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए। वह तुमन प्रत्यय वाक्य में अप्रयुक्त हो जाए, उस तुमन का कर्म होना। अभी इसको बाद में थोड़ा और अच्छे स्पष्ट समझाते हैं, पर आप देख लीजिए, मैं भोजन करने जाता हूं तो भोजन भी मैं करूंगा और फिर जाऊंगा भी मैं। पर भोजन करना एक क्रिया है, उस भोजन करने की क्रिया के लिए मुझे एक दूसरी और क्रिया करनी पड़ रही है, वह है जाना भोजनालय तक। तो जो जाना वाली क्रिया हुई वह क्रियार्था क्रिया है ना। जो पहले करनी पड़ती है क्रिया वह क्रियार्था क्रिया है। ठीक है, जैसे हमें फल लेने जाना है तो फल लेके बाद में आएंगे, पहले जाएंगे तो वो क्रियार्था क्रिया पहले वाली क्रिया होगी। ठीक है, ये इस तरह से समझा जा सकता है। तो क्रियार्था क्रिया उपपद में है यानी समीप में है जिसके, वह क्या कहलाएगा? क्रियार्थोपपद। क्रियार्थोपपद क्या है? क्रियार्था क्रिया एक दूसरी क्रिया जिसके समीप में है, जिसके समीप में है उस तुमुन प्रत्ययांत, उस तुमुन प्रत्ययांत जो कि अप्रयुज्यमान है। वैसे तुमुन प्रत्यय अर्थ में आएगा पर तुमुन प्रत्यय वाक्य में प्रयुक्त नहीं रहेगा। तो वह जो अप्रयुज्यमान तुमुन प्रत्यय है उसके स्थानिनः कर्मणि, उस तुमुन प्रत्यय के कर्म में चतुर्थी हो जाती है। देखिए, कर्म में हमने द्वितीया देखी है, कर्मणि द्वितीया। कर्म में हमने तृतीया विभक्ति देखी है,
कर्म में हम यहाँ चतुर्थी भी देख रहे हैं, कर्म में पंचमी भी आएगी, लैबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, आगे ऐसे आते रहेगी सारी विभक्तियां। तो यहाँ कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी, कर्म प्रतिपादक पद में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू, यहाँ है फलानी आहर्तुम याति, फलानी आहर्तुम याति, फल लेने जाता है। मैं उदाहरण वही दिया था जानबूझ के, जिससे समझने में आप सबको आसानी हो। तो फलानी आहर्तुम याति, इस उदाहरण में आप समझ पा रहे होंगे, फल लेने जाता है, फल लेने जाता है। अब यहां पर आप देखिए, एक है याति, एक है आहरण, दो क्रिया है, फल के, फल का आहरण, फल का लाना और जाना, या आहरण का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, आहार करने के लिए जा रहा है, फल फल फलाहार करने जा रहा है, ठीक। तो या फल लाने जा रहा है या फलाहार करने जा रहा है। तो भाई फलाहार करना या फल लाना एक क्रिया है, उस फल लाने या फलाहार करने की क्रिया के लिए हमें एक दूसरी क्रिया करनी पड़ती है, जो कि है जाने वाली क्रिया, ठीक है। तो यह जाने वाली क्रिया क्रियार्था क्रिया है, ठीक है, क्रियार्था क्रिया हो गई कि नहीं। तो क्रियार्था क्रिया यह जाने वाली क्रिया हो गई, यह क्रियार्था क्रिया जिसके उपपद में है ऐसा कर्म फलानी हो गया, है ना, क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि, क्रियार्था क्रिया हो गई जाना, क्योंकि जाने की क्रिया हम फल लाने की क्रिया के लिए कर रहे हैं, इसलिए यह क्रियार्थक क्रिया हो गई। यह क्रियार्थक क्रिया जिसके समीप में है ऐसे तुमुन का कर्म, आहर्तुम का कर्म क्या है, फलानी, आहरण क्रिया के द्वारा, मान लीजिए देवदत्ता है या अरुणा है या कोई भी है, फलानी आहर्तुम याति, यहां पर देवदत्त या अरुण जो भी करता है, उस कर्ता का गमन क्रिया हो रही वह क्रियार्थक क्रिया है, और वह फलाहार या फल को लेके आएगा, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। इसमें यह जो स्थानीय मुख्य क्रिया है उसका कर्म क्या होगा, आहार, सह आहरति या सह आहर्तुम। तो आहर्तुम जो यह है, इस तुमुन के तुमुन्नंत क्रिया के द्वारा, तुमुन्नंत क्रिया के द्वारा इसका कर्ता का ईप्सिततम क्या है, फल है ना, फल है, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म। भाई कर्ता आहार किसका करना चाह रहा है, फलाहार करना चाह रहा है, कर्ता कर्ता लाना किसको चाह रहा है, फल को लाना चाह रहा है। तो ईप्सिततम फल होने के कारण फल हो गया कर्म, फल है कर्म। यह जो तुमुन है, यह यदि अप्रयुज्यमान हो जाए, क्या हो जाए, यह तुमुन यदि प्रयुक्त ना रहे, तो यह जो अप्रयुज्यमान तुमुन है, जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, उस तुमुन के कर्म में, उस तुमुन्नंत शब्द के कर्म में, फल में, तुमुन्नंत शब्द का ही तो कर्म है, उस तुमुन्नंत के कर्म में चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। तो भाई तुमुन का हमने प्रयोग नहीं किया, फलानी याति था, केवल फलानी को हम, जो तुमुन का कर्म था तुमुन्नंत का, उसमें हमने चतुर्थी लगा दी। तो हम कर्म में चतुर्थी जहां लगा रहे हैं, वहां क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र लगाना है, कर्म में चतुर्थी लगा रहे, ठीक है। क्या हुआ, कर्म था फल, याति हो गया, फलानी आहर्तुम याति। उसी तरह नमस्कुर्मो निशिंघाय, ये देख लीजिए, नवम नमस्कुर्मो निशिंघाय, आप कहेंगे यहां कारक विभक्ति, पहले मूलतः नमः शब्द का योग है, इसलिए यहां ये अर्थ भी समझ गए होंगे, फले भ्यो याति का अर्थ होता है फलानी आहर्तुम याति, याति एक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया है, या क्रियार्थक क्रिया जिसके उपपद में है ऐसा स्थानीय अप्रयुज्यमान तुमुन, यह आहर्तुम है, अप्रयुज्यमान मतलब जब प्रयोग नहीं होगा इसका, तब इस अप्रयुज्यमान तुमुन का कर्म फल था, उसमें पर कर्म में चतुर्थी विभक्ति हमने लगा दी, डायरेक्टली संप्रदान संज्ञा नहीं कर रहे हम, सीधे चतुर्थी विभक्ति लगा रहे कर्म में, क्योंकि कर्म है, कर्म में सीधे चतुर्थी लगानी है। नमस्कुर्मो नृसिंहाय, वैसे नमः के योग में आप जानते हैं चतुर्थी विभक्ति होती है, कुछ लोग हमसे कहने लगेंगे कि पांडे जी आपने ही पढ़ाया नमः स्वस्ति स्वाहा सदा लंब षड योगाच, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है नमः के योग में, तो ये फिर नमस्कुर्मो नृसिंहाय इसका उदाहरण काहे काहे है।
तो मैं आपको बता दूं, आपने एक सूत्र और भी पढ़ा होगा, एक वार्तिक पढ़ा होगा, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में कहीं भी टकराव होता है, दोनों में कहीं अगर विप्रतिषेध होता है, तुल्य बल विरोध होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में कारक विभक्ति ज्यादा बलवती हो जाती। तो नमः के कारण नमः स्वस्ति स्वाहा सदा आलम्ब षड योगाच्य ने कहा कि नृसिंह को नृसिंह में चतुर्थी विभक्ति लगाइए, तभी क्योंकि यहां कुर्मह है, कुर्मह एक क्रिया जुड़ी हुई है, नमः केवल नहीं है, नमस्कुर्मह है, तो नमस्कुर्मह क्रिया हो जाती है। नमः एक अव्यय है, नमस्कुर्मह क्रिया है, नमः केवल कह रहे हैं वो एक अव्यय है, पर नमस्करो न नमस्करोति नमस्कुरुता नमस्कुर्वन्ति नमस्करोषि नमस्करुथा नमस्कुरुथ नमस्करोमि नमस्कुर्वः नमस्कुर्मः, ये जो अगर आ जाए तो ये क्रिया हो जाती है, और इस क्रिया के द्वारा कर्ता जो नमस्कुर्मः वयम नमस्कुर्मः, तो वयम जो करता है वो इस क्रिया के द्वारा नमस्करण क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहता है नृसिंह को, इसलिए नृसिंह की होगी कर्म संज्ञा। और कर्मण द्वितीय कहेगा कि भाई कर्म में द्वितीय लगाओ, तो नृसिंहम नमस्कुर्मह हो जाए, है ना, नृसिंहम नमस्कुर्मह हो जाएगा, क्योंकि अब नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा ने कहा था कि करो, पर कर्मणि द्वितीय कहेगा क्योंकि यह कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय करो, तो अब भाई अब आपको मजबूरी में कर्मणि द्वितीय की बात ज्यादा माननी पड़ेगी, क्योंकि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति ज्यादा शक्तिशाली होती है। कर्मणि द्वितीय कहेगा कर्म में द्वितीय होती है, तो कर्म कारक वाली विभक्ति है कर्मणि द्वितीय, और उपपद विभक्ति नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती, वह नमः शब्द के योग में, नमः शब्द के समीप में चतुर्थी विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति समीप में स्थित पद के आधार पर विभक्ति होती है। तो उपपद विभक्ति के कारण यहां नमस्कुर्मो नृसिंहाय जो नमः स्वस्ति स्वाहा सदा आलम्ब षड योगाच्य से चतुर्थी हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, और नमस्कुर्मो नृसिंहम ऐसा होने लगेगा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय करेंगे तो। परंतु यदि इसमें हम ऐसा एक कल्पना कर लें कि इसमें कोई तुमुन रहा होगा, तुमुन प्रत्ययांत शब्द जो कि अप्रयोज्यमान हो गया है, और उस तुमुन प्रत्ययांत शब्द का कर्म नृसिंह है, ऐसा यदि हम मान लेते हैं, ऐसी यदि हम कल्पना कर लेते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति हो सकती है। जैसे यहां इसका अर्थ देख लीजिए, नमस्कुर्मो नृसिंहाय का अर्थ है नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थः लिखा, इत्यर्थः मतलब आगे नमस्कुर्मः स्वयं जोड़ लीजिए, नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, नृसिंह को अनुकूलित करने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए नमस्कुर्मो नृसिंहाय होगा, नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थः। अब यहां पर देखिए एक तुमनंत क्या है, अनुकूलयितुम, अनुकूलयितुम क्या है, तुमनंत है, तुमन प्रत्ययांत शब्द है, और अब नृसिंह को अनुकूल करने के लिए नमस्कार किया जा रहा है, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए मतलब अपने प्रसन्न करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, यह प्रसाद तुम प्रसन्न करते करने के लिए, तो नृसिंह को प्रसन्न करने के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। यहां एक क्रिया है नृसिंह को प्रसन्न करना, दूसरी क्रिया है नमस्कार करना, है ना। तो अब बताइए कौन सी क्रिया के लिए कौन सी क्रिया हो रही है, नृसिंह को नमस्कार करने की क्रिया के लिए, नहीं नृसिंह को अनुकूल करने की क्रिया के लिए नृसिंह को नमस्कार वाली क्रिया हो रही है ना। तो अब कौन सी क्रियार्था क्रिया हुई, नमस्कार करने वाली क्रिया क्रियार्था क्रिया हो जाएगी, क्योंकि नमस्कार करने वाली क्रिया किसी दूसरे क्रिया के लिए यानी नृसिंह को अनुकूल करने की क्रिया के लिए है, ठीक है। दो क्रियाएं हैं, एक नृसिंह को अनुकूल करना, एक है नमस्कार करना। तो नमस्कार करना किस लिए है, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए है, इसलिए नमस्कार करना वाली जो क्रिया हुई यह इस क्रिया के अर्थ है, इस क्रिया के लिए है, इसलिए यह एक क्रियार्था क्रिया है। नमस्कुर्मः क्या है, क्रियार्था क्रिया है। क्रियार्था क्रिया यदि किसी के उपपद में हो, क्रियार्था क्रिया यदि उपपद में हो, समीप में हो, नमस्कुर्मः यदि समीप में हो, तो उसके तुरंत समीप में रहने वाला जो तुमुनंत है अनुकूलयितुम,
उस अप्रयुज्यमान, यदि इसी को हम अप्रयुक्त कर दें, मतलब मान लो हम अनुकूल है, तुमको नहीं प्रयोग करना चाह रहे, हमारी विवक्षा पर आश्रित है, हम चाहें तो प्रयोग करें, हम चाहें तो ना करें। तो यदि मान लीजिए कि हम अनुकूल है, तुमको प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो अप्रयुज्यमान तुमुन था उस तुमुन के कर्म में चतुर्थी, इस तुमुन का भाई अनुकूल है, तुम अनुकूलित करना, प्रसन्न करना, यह किसको, कवि यह भक्त किसको प्रसन्न करना चाह रहा है, किसको अनुकूलित करना चाह रहा है, यदि यह आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको समाधान मिलेगा नृसिंह को। तो अनुकूलित करने की क्रिया के द्वारा सबसे ईप्सिततम कौन है, अनुकूलित क्रिया के द्वारा ईप्सिततम कौन है, कर्तुर ईप्सिततम कर्म, वह कर्म है नृसिंह। तो इसलिए प्रयुज्यमान यह जो तुमुन्नंत है उसका कर्म हुआ नृसिंहम, उस क्या हो जाता है, क्रियार्थोपपदस्य च तुमुनः कर्मणि नृसिंहम चतुर्थी, चतुर्थी हो जाएगी, तो नृसिंहाय नमस्कुर्मः, नृसिंहाय नमस्कुर्मः, ऐसा हो जाएगा, कर्म जो था नृसिंहम वह चतुर्थी हो गई उसमें नृसिंहाय, ठीक है। इसी तरह स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादि में भी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। यहां सभी उदाहरणों में आप देखेंगे तो जो अप्रयुज्यमान तुमुन है उस तुमुन के कर्म में चतुर्थी हो रही है, यहां अप्रयुज्यमान जो प्रयुक्त नहीं हो रहा ऐसा तुमुन क्या है, आहर्तुम, उस आहर्तुम के कर्म फल में चतुर्थी हो रही, फलेभ्यः नृसिंहाय कर्म में चतुर्थी हो रही है। परंतु अब आगे देखेंगे तुमर्थाच्च भाव वचनात्, तुमर्थाच्च भाव वचनात् क्या कहता है, भाव वचनाश्च एक सूत्र है, भाव वचनाश्च एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा कई प्रत्यय, कुछ प्रत्यय होते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए जो भी प्रत्यय घय होता है प्राय भाव वचनाच्च, तो भाव अर्थ में भावम वक्तीति भाव वचन, तुमर्थाच्च भाव वचनात् में आप इतना समझ पा रहे होंगे कि यहां पर कर्म तो नहीं है, क्योंकि भाव वहीं रहता है जहां पर कर्म नहीं रहता है, ठीक है। तो जहां पर कर्म है ही नहीं वहां आप समझ पा रहे होंगे आसानी से कि कर्म है ही नहीं, तो फिर कर्म के स्थान पे कहां से चतुर्थी होगी, है ना, कर्म है ही नहीं तो उसके जगह पे चतुर्थी विभक्ति कैसे होगी। देखिए घय इत्यादि प्रत्यय होते हैं, घय इत्यादि, केवल घय नहीं होता उस भाव वचनाश्च सूत्र से, क्रियार्था में ही होता है वो भी, तो जो इस भाव वचनाश्च सूत्र से प्रत्यय घय इत्यादि कहा गया है उस घयंत इत्यादि शब्दों से चतुर्थी विभक्ति होती है, यागाय याति, आप इससे पहले फलेभ्यः याति और यागाय याति या फलाय याति और यागाय याति में अंतर नहीं समझ पाएंगे, पर आप फलाय याति में आप देखेंगे तो फलम आनेतुम याति, है ना, फलम आनेतुम याति, वह आनेतुम का कर्म है फल, जो अप्रयुज्यमान तुमुन है उस अप्रयुज्यमान न प्रयोग हो रहे तुमुन्नंत का कर्म है फल, कर्म में हम चतुर्थी कर रहे हैं। परंतु यागाय याति का आप विग्रह देखेंगे तो इसका क्या है, यष्टुम याति, याग करने जा रहा, यष्टुम, अब यष्टुम याति में यह तुमुन्नंत है, ठीक है, यह तुमुन्नंत है, तो तुमुन अंत यहां यष्टुम में तुमुन प्रत्यय है कि नहीं, यष्टुम में यज धातु तुमुन प्रत्यय है, पर ही यष्टुम की जगह पर हम याग और याति कहते, ठीक है, यानी यह जो तुमुन है, यह जो तुमुन है, यह तुमुन प्रत्यय का अर्थ यहां पर भी आ जाता भाव वचनाश्च सूत्र से, उसी अर्थ में घई प्रत्यय होता है, तो ऐसी अगर घई प्रत्यय हुआ है या और कोई प्रत्यय हुए हैं भाव अर्थ में, उसका कोई दूसरा कर्म नहीं है, तो उस भाव वचन अर्थ वाले शब्द से भी चतुर्थी हो जाती। ये देखिए अष्टम का कर्म थोड़े ना है, जैसे आनेतुम का कर्म था फलानी, जैसे अनुकूलितुम का कर्म था नृसिंहम, तो हम कर्म में चतुर्थी कर लिए वो चल जाएगा, परंतु यहां ये कर्म नहीं है, यष्टुम याति का सीधे यागाय याति, यष्टुम मतलब जो तुमुन्नंत शब्द है
उसी तुमुन्नंत प्रत्ययांत, तुमुन प्रत्ययांत शब्द को घञ प्रत्ययांत पहले बनाया जाए और फिर उससे सीधे चतुर्थी लगा दी जाए, तो वह होगा तुमर्थाच भाव वचनात् का उदाहरण। दोनों में अंतर फिर से स्पष्ट देखिएगा। फिर से फलानी आहर्तुम था, तो फलानी आहर्तुम, आहर्तुम एक तुमुन्नंत है, आहाराय गच्छामि नहीं कह रहे, उसके कर्म में चतुर्थी लगा रहे हैं, फलानी में चतुर्थी, फलेभ्यः याति कह दे रहे हैं और तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो तुम्हार ये क्या होगा, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र लगेगा। और यदि यह जो यष्टुम तुमुन्नंत है, उसी यष्टुम को ये भाई देखिए, यज यहां है, यज प्लस तुम बन जाएगा यष्टुम, वही यज तुम ना रख करके यज और घय करके याग बना दिया, तुमुन अर्थ में ही यह है, भाव वाची भी है, तुमुन अर्थ भी है, तो ऐसे तुमर्थक जो है शब्द उससे सीधे चतुर्थी लगाकर यागायाति कह सकते हैं। ठीक है, तुमर्थ का प्रतिपादन करने के लिए फिर ये चतुर्थी लगा सकते हैं आप आसानी से। तो ये अंतर समझ गए होंगे आप, यष्टुम याति इत्यर्थ। देखिए तदंतात चतुर्थी से, तदंतात चतुर्थी से तुमुन्नंत जो शब्द, तुमुन्नन के अर्थ में जो और प्रत्यय हुए हैं भाव वचनाश्च सूत्र से, उन प्रत्ययांत शब्दों से चतुर्थी विभक्ति होती है, यागाय याति यष्टुम याति केवल है, यजनम कर्तुम याति ऐसा होता तब यजनम कर्तुम, तो वैसा ये कर्म जबरदस्ती बनाया गया होता तो तुम फिर कर्म की कल्पना यदि की गई होती तो नम वो वाला क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः वाला नियम ही लगता। ठीक है, तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। इस पाठ में हमने क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः और तुमर्थाच्च भाव वचनात् ये दो सूत्र देखा। क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः कहता है क्रियार्था क्रिया अगर उपपद में हो तो ऐसे जो अप्रयुज्यमान तुमुन है, जो प्रयुक्त नहीं हो रहा, ऐसे तुमुन के कर्म में षष्ठी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। और फिर तुमर्थाच्च भाव वचनात् ने कहा कि भाव अर्थ में अगर है, यानी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे भाव वचन शब्द से भी चतुर्थी विभक्ति सीधे लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पाठ में इन दोनों सूत्रों को देखा। आशा करता हूं दोनों सूत्र में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और इसके बाद के सूत्रों को हम अग्रिम पाठों में देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमः संस्कृताय।